हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर्स के वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर के सभी वर्कशीट के सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो गए हैं। अगर आप लोगों ने मेरी वो वीडियोस नहीं देखी है तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियोस देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उन सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, आप वहाँ भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, वैल्यू बेस्ड में आपके सिर्फ एक क्वेश्चन है, ठीक है, और उसी क्वेश्चन में 3 पार्ट्स हैं, ठीक है, टोटल 3 पार्ट्स हैं। तो क्वेश्चन क्या है पहले उसे समझिए। रोहित डोनेटेड 1/5 ऑफ हिज मंथली इनकम टू एन एनजीओ वर्किंग फॉर द एजुकेशन ऑफ द गर्ल चाइल्ड, ठीक है। उसके बाद क्या, देखो क्या कहा गया है कि रोहित जो है, रोहित का जो भी मंथली इनकम है, मंथली इनकम का 1/5, ठीक है, मंथली इनकम का 1/5 वो किसी एनजीओ को डोनेट करता है, ठीक है। रोहित जो है अपने मंथली इनकम का 1/5 किसी एनजीओ को डोनेट करता है, और वो एनजीओ क्या करती है, वो एनजीओ गर्ल चाइल्ड के एजुकेशन का काम करती है, ठीक है, यानी लड़कियों के एजुकेशन के लिए वो काम करते हैं। उसके बाद स्पेंड 1/4 ऑफ हिज सैलरी ऑन फूड, और अपनी सैलरी का, वो खुद उसका जो भी मंथली सैलरी है उसका 1/4 वो अपने फूड पे, खाने पीने पे खर्च करते हैं। फिर 1/3 ऑन रेंट, यानी जहाँ वो रहते हैं, जिस घर में रहते हैं, रेंट पे रहते हैं, तो मंथली इनकम का 1/3 वो रेंट पे खर्च करते हैं। एंड 1/15 ऑन अदर एक्सपेंसेस, और 1/15 कितना, किस पे खर्च करते हैं, तो और भी जो एक्स्ट्रा खर्च होते हैं उस पे करते हैं। ही इज लेफ्ट विथ ₹9,000, यानी इतने खर्च करने के बाद, ठीक है, उसके पास ₹9,000 रह जाते हैं, ठीक है, यानी कि वो जो एनजीओ को डोनेट करते हैं 1/5, उसके मंथली इनकम का 1/5 वो एनजीओ को डोनेट कर देते हैं, फूड पे खर्च करते हैं 1/5 खुद के फूड पे, ठीक है, वो खुद के खान पान पे खर्च करते हैं 1/5, 1/3 रेंट पे खर्च करते हैं। तो ये जो 1/3 है ये क्या है, किसका, उसकी टोटल मंथली इनकम का। यहाँ मंथली इनकम दिया नहीं गया है, हमें फाइंड करना है, ठीक है, मंथली इनकम का 1/3 रेंट पे, और मंथली इनकम का 1/15 ऑन अदर एक्सपेंसेस, अदर खर्च पे खर्च करते हैं, और उसके पास रह जाते हैं ₹9,000। तो पूछा गया है फाइंड रोहित मंथली सैलरी, यानी रोहित का मंथली सैलरी क्या है। तो देखो, इससे हमें तो ये चीज पता चल रही है कि जो जो वो खर्च करते हैं, जितने जितने वो खर्च कर रहे हैं, उन सभी को ऐड कर देंगे, ठीक है, 1/5 डोनेट कर रहे हैं एनजीओ में, 1/4 फूड पे, 1/3 रेंट पे, एंड 1/15 अदर, इन सभी को अगर ऐड कर देंगे, और साथ में उसके पास जो जितने पैसे रह जाते हैं उन्हें ऐड कर देंगे, तो मंथली सैलरी उसका मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन मंथली सैलरी हमें तो मालूम नहीं है, तो हम यहाँ पे मान लेंगे, लेट दी मंथली सैलरी ऑफ रोहित का मंथली सैलरी हम लोग मान लेते हैं एक्स है, ठीक है, एक्स रुपया मान लेते हैं उसका मंथली सैलरी है। अब वो डोनेट एनजीओ को जो डोनेट कर रहा है, कितना कर रहा है, 1/5 किसका, उसकी मंथली सैलरी का, ठीक है। तो लिखेंगे हम लोग डोनेटेड टू एनजीओ, एनजीओ को कितना डोनेट कर रहा है, तो 1/5 ऑफ एक्स, किसका, 1/5 ऑफ हिज मंथली सैलरी, उसके मंथली सैलरी का। तो मंथली सैलरी मैंने एक्स माना है, तो 1/5 ऑफ एक्स, यानी एक्स बाय फाइव, ठीक है। अगर 1/5 ऑफ एक्स अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो क्या मिलेगा, 1/5 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई एक्स। अब क्या होगा, 1 × x, x, x/5, तो हम डायरेक्ट यहाँ लिख लेते हैं x/5। अब नेक्स्ट फूड पे खर्च कर रहा है, तो हम लोग लिखते हैं स्पेंड ऑन फूड, फूड पे कितना खर्च कर रहा है, अपनी मंथली इनकम का 1/4, तो x/4 हो गया इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, 1/4 ऑफ x, यानी x/4 स्पेंड ऑन रेंट, रेंट पे खर्च कर रहा है 1/3, ठीक है, मंथली सैलरी का 1/3, यानी x/3, और अदर एक्सपेंसेस स्पेंड ऑन अदर एक्सपेंसेस पे वो खर्च कर रहा है 1/15 किसका, मंथली सैलरी का, तो 1/15 यानी x/15, ठीक है। अब वो देखो जितने खर्च कर रहा है,
ये टोटल को अगर हम ऐड कर देंगे, एक्स बाय फाइव, एक्स बाय फोर, एक्स बाय थ्री, एक्स बाय फिफ्टीन, और साथ में उसके पास 9000 रुपीज रह जाते हैं, तो इन सभी को अगर ऐड कर देंगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, उसके मंथली सैलरी का। ठीक है, तो यहाँ देखो हम लोग ऐड करते हैं, क्या है, एक्स बाय फाइव प्लस एक्स बाय फोर प्लस एक्स बाय थ्री प्लस एक्स बाय फिफ्टीन, है ना, जितने वो खर्च कर रहा है उन सभी को ऐड कर देंगे, और जितना उसके पास बचत हो रहा है 9000 का बचत हो रहा है उसे ऐड कर देंगे, और इक्वल टू ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो उसका मंथली इनकम एक्स, एक्स के इक्वल हो जाएगा। अब बस इन सभी को ऐड कर लेते हैं, ठीक है, 9000 को आप छोड़ दीजिए और एक्स वाले जितने नंबर है उन सभी को ऐड कर लेते हैं। तो देखो 5, 4, 3 और 15 का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम हमारा आएगा यहाँ 60। ठीक है, अब 5 से 60 को डिवाइड करो तो मिलेगा हमें 12, 12 इंटू एक्स, 12x, प्लस 4 से 60 को डिवाइड करो तो 15, 15 इंटू एक्स, 15x, प्लस 3 से 60 को डिवाइड करो तो 20, 20 इंटू एक्स, 20x, प्लस फिर 15 से 60 को डिवाइड करो तो 4, 4 इंटू एक्स, 4x, प्लस ये 9000 रहेगा इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब इन सभी को देखिए ऐड करते हैं तो हमें मिलेगा यहाँ 51x अपॉन 60। ठीक है, इतना मिल रहा है प्लस 9000 इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में 51 अपॉन एक्स और राइट हैंड साइड में भी एक्स है, तो एक्स वाले एक साथ कर लेंगे हम लोग एक्स वाले को, तो देखो 51 अपॉन एक्स को उधर हम राइट में ले जाएंगे, 9000 लेफ्ट में ही रहने देते हैं और यहाँ ये जाएगा जब राइट में तो माइनस में हो जाएगा 51x अपॉन 60। ठीक है, अब देखो यहाँ माइनस करते हैं तो यहाँ 9000 रह गया लेफ्ट में, और राइट साइड में आप देखो अगर हम माइनस करेंगे एक्स के नीचे कुछ नहीं है तो यानी 1 रख लेते हैं हम लोग, और 60 का एलसीएम 60 हो जाएगा, फिर यहाँ देखो 60x मिलेगा माइनस यहाँ 51x, तो यहाँ हमें सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमें मिलेगा एक्स अपॉन 60। ठीक है, यानी इसे अगर हम ऐसे लिखें तो 9000 इक्वल टू, सॉरी एक्स नहीं होगा यहाँ, 9x होगा, 60x माइनस 51x, देखो 60x माइनस 51x यानी 9x, तो 9x अपॉन 60 मिल गया हमें, 9 से देखो 9000 कैंसिल होगा, 1000 मिलेगा हमें। ठीक है, अब ये 1000 और उधर देखो राइट में 60 है, मल्टीप्लाई हो जाएगा और x करके मिलेगा हमें x का वैल्यू 60000। x मैंने क्या माना था, मैंने रोहित का मंथली इनकम x माना था, x का वैल्यू हमें यहाँ 60000 मिला है, यानी रोहित का मंथली इनकम कितना मिल गया, 60000। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे रोहित्स मंथली इनकम, ठीक है, रोहित का मंथली इनकम कितना हो गया, रुपया 60000।